नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं E7 न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। गुलबर्गा काजी के अध्यक्ष हामिद फैसल सिद्दीकी ने अपने सहयोगियों के साथ वसीम रिजवी के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी लखनऊ के एक शिया संप्रदाय ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें हिंसा और जिहाद को बढ़ावा देने वाले पवित्र कुरान के 26 छंदों को हटाने की मांग की गई थी। अभियुक्त वसीम रिजवी के इस कृत्य से मुस्लिम राष्ट्र में गुस्सा पैदा हो गया। चारों ओर से उसके खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया गया, उसके पुतले को जलाया गया। कई शहरों में FIR भी दर्ज की गई है। मुस्लिमों के हर संप्रदाय ने उनके कुकृत्य अधिनियम की निंदा की है और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। गुलबर्गा के कई संगठनों और जानी मानी हस्तियों ने भी इस घटना की निंदा की और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। शहर के काजी हामिद फैजल सिद्दीकी ने भी शहर के गणमान्य लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया और मांग की है कि दोषी वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उन्हें मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के लिए गिरफ्तार किया जाए। कुरान अल्लाह द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, यह बुराई को समाप्त करता है और अच्छाई फैलाने का अवसर देता है। इस अंत में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई न्यूज़ हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-891-3722 पर संपर्क करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि एक मलऊन ने कुरान पाक के हवाले से तौहीन की है, और मैं समझता हूँ ये बात ज़रूरी है कि जो मोहन भागवत है वो RSS का मोतबर आदमी नहीं, बल्कि ये नाहंजार वसीम रिजवी है जो ये RSS का अहम आदमी माना जाता है हमारे नज़दीक, क्योंकि इसने कुरान पाक के हवाले से बहुत ही गलत और गंदी सोच और गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल किया है और पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों को उसने ठेस पहुंचाया है। और हकीकत तो ये है कि ऐसे खबीस रूह शख्स को, ऐसे मुर्तद और काफिर और मुशरिक को हुकूमत से हमारी अपील है कि सबसे पहले इसे दुनिया से इसका खारिजा किया जाए, यानी इसे फांसी दी जाए और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि कुरान पाक पर हर मुसलमान का ईमान और अकीदा है। क्योंकि ये वो कुरान है जिसके हवाले से किसी आशिक ने क्या खूब फरमाया, और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत फरमाएं। और ये कुरान दुनिया के हर मुसलमान के लाखों करोड़ों बच्चों के सीनों में महफूज है, दुनिया की किताब में तो है मगर हकीकी मानों में हमारी रूहों में महफूज है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कुरान को मिटा सके, इस्लाम को मिटा सके। ऐसे कज़्ज़ाब बहुत आए, ऐसे अबू जहल बहुत आए, ऐसे लईन और शैतान बहुत आए, मगर कुरान पाक और साहिब कुरान की अजमत को मिटा नहीं सकते, और ये ख़ुद मिट गए और खाकिस्तर हो गए। लिहाजा कुरान पाक पर हमारा ईमान है और हमने आज अपने मोमिन और ईमानी हरारत और जज्बे का इजहार किया है। और क्यों ना हो कि एक मोमिन जिंदा रहते हुए भी एक मलऊन जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए और नाम ऐसा नाम रखा है, इस शैतान को चाहिए कि इस तरीके से इसने गुस्ताखी की है, अगर इसे करोड़ों बार भी अगर फांसी दी जाए तो भी कम है, इसे करोड़ों बार भी मौत की सज़ा सुनाई जाए तो भी कम है। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि इस नाहंजार को, इस खबीस को, इस मर्दूद और मुशरिक काफिर को फौरन जितना जल्दी हो सके इसे मौत की सज़ा सुना दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे ईमान और अकीदे को बहुत बड़ा ढेस पहुंचाया गया है। लिहाजा ये जो नौजवान यहाँ ताजनगर मुस्लिम कॉलोनी रज़ा चौक पर इकट्ठा जमा होकर अपनी ईमानी हरारत का जज्बा दे रहे हैं, खुशनसीब हैं वो लोग, इंशाअल्लाह ताला
हमारी ये कोशिश, हमारा ये वक्त रहेगा नहीं जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़रूर इसे इसके तवस्सुस से हमें बेहतरीन से बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। तो लिहाजा हमारे ईमान को इसी तरीके से हम मजबूती के साथ पेश करते रहें और ऐसे नापाक इरादों को तोड़ते रहें। लिहाजा आप तमामी हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ और जो जो हजरात इसमें हाजिर आए हैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने कुरान पाक के हवाले से और साहिब कुरान के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, किसी आशिक ने क्या खूब फरमाया, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदले का ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदले का ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, क्योंकि इसकी हिफाजत खुद रब्बे कायनात ने ली है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहू लहाफिज़ून, हमने कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही उसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत को, उनकी अजमतों को मिटा नहीं सकती। ऐसे बहुत नाहंजर आए, खुद खाकिस्तर हो गए, जहन्नम रसीद हो गए। लिहाजा हमारा ईमान, हमने आज ये बताया है कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुर्दा नहीं बल्कि आज भी ज़िंदा है और ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और ऐसे नाहंजरों का बाब दुअल ने जवाब देगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस मलऊन को जितना जल्दी हो सके जहन्नम रसीद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।